हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाई स्टाइल्स। मैं सायमा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट एक्सपेंसिव फाउंडेशन का रिव्यू जो कि मेरे पास है। That is Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation. It says it stays all day and night. So इसका जो प्राइस है वो है 4000 रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट 4000 रुपीज। एंड यू आर गेटिंग 30 ml ऑफ प्रोडक्ट जैसे यूजुअली आता है। तो ये इस तरीके कुछ पैकेजिंग के साथ आता है। And I'm barefaced right now. कुछ भी नहीं है except eyebrows and हल्की सी न्यूड लिपस्टिक इसके अलावा। Okay, so थोड़ा सा जो क्लेम कर रहा है मैं बता दूं, अ फुल कवरेज फाउंडेशन विद अ फ्लॉलेस मैट लॉन्ग लास्टिंग फिनिश। दिस इज द पैकेजिंग गाइज, लुक एट द लग्जरी पैकेजिंग। ऑब्वियसली इट्स अ हाई एंड ब्रांड एंड लग्जरी ब्रांड, तो पैकेजिंग भी कुछ उस तरीके से होनी चाहिए। बहुत सुंदर रोज गोल है एंड उस पर लिखा है Charlotte Tilbury। ओवल शेप में इसकी पैकेजिंग है, फ्रॉस्टेड मैट बॉटल है। मेरा जो शेड है वो है वार्म शेड है सेवन वार्म। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जिन्होंने इसका रिव्यू किया है और ये वर्थ बाइंग है या नहीं, क्योंकि 4000 रुपीस बहुत ज़्यादा है एक फाउंडेशन के ऊपर स्पेंड करना, और ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव फाउंडेशन है अभी तक का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंट्रो में सब कुछ आपको बता दिया है। लेट्स सी कि कैसा कवरेज देता है, कैसा फिनिश देता है और कैसे ब्लेंड होता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ पैक का ब्यूटी ब्लेंडर है, और उससे पहले स्किन को प्रेप करेंगे। मेक श्योर आप हमेशा अपनी स्किन को प्रेप करके चलो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होता, बेस आपका खराब हो ही जाता है। सो यहाँ पे मैं हमेशा जैसे यूज करती हूँ मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर, जो कि है ये न्यूट्रोराम का वाइटमिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन। ऑलमोस्ट ये फिनिश होने वाला है। इट हैज़ वाइटमिन ई जो कि बाकी अदर वाइटमिन ई से बहुत ही अलग है, अलग एज इन ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, स्किन रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही सूटेबल है। सनबर्न है या स्किन इरिटेशन है उसको भी ये सूट करता है। लेट्स स्टार्ट। अच्छे से हमने लगा लिया, ये एक मस्ट एंड फर्स्ट स्टेप होता है आपकी प्रेपरेशन में, स्किन प्रेप में। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश ऑयल एंड शाइन कंट्रोल प्राइमर। ओके गाइस, सो यहाँ पे प्राइमर डन। मैं ले रही हूँ यहाँ पे फॉरएवर 52 का ये कंसीलर, कंप्लीट कवर कवरेज कंसीलर है ये। लिटिल डार्क है ये, थोड़े से एक्ने मार्क्स को कवर अप करने के लिए। यू कैन सी कितना एक्ने मार्क्स मेरे नहीं है, वैसे मैं बता दूँ मुझे एक्ने नहीं है। ये मेरी प्रेगनेंसी की पिगमेंटेशन है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, उसको कवर अप करने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं फाउंडेशन से। पैकेजिंग में ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है, और मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, स्पेशली मेरा जो नेक एरिया है वो तो हद से ज़्यादा डार्क है। मतलब मैक्स कभी मैंने लाइफ में भी नहीं सोचा था इतना ज़्यादा डार्क हो सकता है, बट वो ठीक हो जाएगा टाइम के साथ जैसे डिलीवरी होगी। तो यहाँ पे है मेरी फाउंडेशन, यानी बहुत फैंसी नेम नहीं है, मतलब एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन। टेक्स्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, इट्स क्वाइट रनी, जो टेक्स्चर है वो काफ़ी रनी है। स्पंज यहाँ पे मैंने लिया, डायरेक्टली अपने फेस पे लगा रही हूँ मैं। इस फाउंडेशन का फर्स्ट लेयर है, मैंने अपने हाफ फेस पे लगाया, एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि इसने कवरेज कितना अच्छा दिया है। एज यू कैन सी कि मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन जैसे इसने क्लेम किया है वो है। मैंने इसकी सिर्फ फर्स्ट लेयर लगाई और बहुत ही हल्की, क्योंकि मैंने सिर्फ दो पंप लिया था, अभी भी आधा फाउंडेशन जो है मेरे बैक ऑफ माई हैंड पे लगा हुआ है। एंड इट ब्लेंड्स ब्यूटिफुली, सिट्स ब्यूटिफुली ऑन माई स्किन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा केकी एंड एशी, और बहुत ज़्यादा सोक नहीं हुआ ये प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा सोक। अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा यूज़ करें आप, हमेशा यूज़ करें, अदरवाइज आपको अच्छी कवरेज नहीं मिलेगी। आई फील कि ये एक मैट फाउंडेशन है, क्योंकि इसमें कोई भी शाइन नहीं आ रही है मेरे फेस पे। लुक सो ये दो चीज़ें तो है कि फुल कवरेज प्लस मैट है, ऑल्सो इट गिव्स ब्यूटिफुल फिनिश, तो फिनिश भी बहुत सुंदर है इसकी। अब हम इसका सेकेंड लेयर लगा के देखते हैं कि कैसी कवरेज देता है। ओके गाइज, सो आई एम सुपर इम्प्रेस विद दिस फाउंडेशन, जस्ट लुक एट माई स्किन राइट नाउ एंड लुक एट द कवरेज, हाफ फेस एंड दिस, सारी डार्कनेस, सारी रेडनेस, इवन काफ़ी सारे स्पॉट्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे ब्लैमिशेज होते हैं हमारे फेस पे, ना ब्राउन स्पॉट्स जिसे कहते हैं या तिल जिसे आप कह सकते हो, वो सब इसने कवर कर लिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने दो पंप यूज़ किए हैं, एंड जस्ट लुक एट माई अंडर आई एरिया, ओ माई गॉड। एंड ये बहुत ज़्यादा क्रैकी फाउंडेशन होता है ना, कि बहुत आपकी फाइन लाइन्स में सेट हो जाने वाला, इस टाइप का भी नहीं लग रहा है। आप अंडर आइज में या फिर आईलिड पे देख सकते हो, जस्ट लुक्स ब्यूटिफुल। ओके,
थम्स अप, तब मैं फुल फेस पे से अप्लाई कर लेती हूँ. दिस इज माई फेस. मैंने कुछ पे भी सेट नहीं किया है, सिर्फ ये मेरा फाउंडेशन है और मैंने दो लेयर लगाई है. और बहुत हैवी लेयर नहीं है क्योंकि स्पंज से जो है ना वो आपको जो भी एक्सेस होता है या फिर जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ही सोक कर लेता है. तो आपको सिर्फ उतना ही प्रोडक्ट आपकी स्किन पे लगता है जितना ज़रूरी होता है. दैट्स वाई मैंने ब्यूटी ब्लेंडर अपने दोनों साइड पर यूज़ किया है, क्योंकि प्रेफरेबली मैं ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ. एंड आई फील कि ये हल्का हल्का पोर्स को क्लॉक करता है, जस्ट बिकॉज कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्वेटिंग हो रहा है. बट मैंने कोई फ़ैन नहीं चलाया, कोई एसी नहीं चलाया है और 15 मिनट्स मुझे ऑलरेडी हो चुके हैं. एंड आई विल अपडेट कि ये कितनी देर मेरे फेस पे रहने वाला है, क्योंकि मैं फुल डे तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ 5 to 6 hours मैं ट्राई करने वाली हूँ. अभी बज रहे हैं 2 या 2:30 और मैं अराउंड 7 या 8 बजे तक ये फाउंडेशन अपने फेस पे रखूँगी आराम से. एंड उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगी 7-8 घंटे के बाद ये कैसा लगता है. और मैं रेस्ट भी करती हूँ तो सोने के बाद ये कैसा लगेगा. बट ये स्किन के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो रहा है. ओके, सेट के लिए मैं यहाँ पे मेरा फेवरेट लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी फिनिश देता है, मेबलिन लूज पाउडर. ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने अपना फुल फेस बेस कंप्लीट कर लिया है और अब बाकी जो मेकअप है वो मैं करके आती हूँ. ऑलराइट यू गाइस, सो दिस इज द फाइनल फिनिश लुक. मुझे मेकअप करने में अराउंड 30 to 40 minutes लगे, जस्ट बिकॉज कि मैंने फुल फेस किया, उसके अलावा मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली एंड कुछ पोस्ट वगैरह किया, चाय वाय दूध वगैरह सब कुछ मैंने बीच में काम किया. तो 3 बज रहे हैं, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है मुझे इस फाउंडेशन को लगाए हुए एंड आई एम लविंग माई बेस. कोई टेक्स्चर नहीं लग रहा है मुझे, बहुत स्मूथ लग रहा है, फिनिश भी बहुत सुंदर है और अभी तक कहीं से भी कोई क्रैक नहीं आया है एज सच. वैसे बहुत ही कम टाइम हुआ है लगाए हुए, सो मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे दे दूंगी कि मैं इसे 6 hours वेयर कर रही हूँ एटलीस्ट, क्योंकि मेरे को देखना है 6 hours में कैसा लगता है ये. एंड उसमें मैं सोऊंगी भी, मेकअप करके सो जाऊंगी. आई नो इट्स सेफ नहीं है, बट स्टिल चेक करना है मुझे, तो मेरे को देखना पड़ेगा. एंड वैसे ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मतलब मेरा मेकअप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है सच कुछ भी. ठीक है, तो बात करें इसकी लॉन्जिविटी की तो आपको स्क्रीन पे दे दूंगी मैं, बट ये स्टे करेगा फॉर श्योर, क्योंकि कोई भी फाउंडेशन जो है वो स्टार्टिंग में ही बता देता है वो कैसा काम करने वाला है. फिनिश आप इसकी देख सकते हो स्क्रीन पे ही बिल्कुल लाइव, कि फिनिश बहुत अच्छी है. ब्लेंड इसे बहुत ही मैजिकली ब्लेंड होता है, इट्स लाइक अ ड्रीम. ठीक है, सेकेंड स्किन लगती है आपकी. आप इसे बिल्ड कर सकते हो 2 से 3 लेयर आप इसे बिल्ड कर सकते हो. ये आपको फुल कवरेज देता है तो मुझे नहीं लगता आपको बिल्ड करने की भी जरूरत पड़ने वाली है. सेट कर लो आप इसे लूज पाउडर कॉम्पैक्ट से, तो ये बहुत ही अच्छा मैटिफाइंग फाउंडेशन है. मैं इसे रेट देती हूँ 10 out of 9.5. मैं 0.5 इसलिए नहीं दे रही हूँ, मतलब 5, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है. बट जो एक हाई एंड फाउंडेशन या बेस्ट मैटिफाइंग फाउंडेशन ट्राई करना चाहते हैं, फॉर श्योर आप इसे ट्राई कर सकते हो. इसके अलावा मैं इसके जो ऑल्टरनेट्स हैं, अफोर्डेबल ऑल्टरनेट्स, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. इस लुक के अचीव करने के लिए मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया. डेफिनेटली मैं आगे वाली फाउंडेशन आगे अपनी मेकअप वीडियोज़ में से यूज़ करने वाली हूँ. सो या, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और कैसा लगा ये रिव्यू आप जरूर बताइएगा. इसके अलावा भी आप कोई फाउंडेशन का या फिर कोई बहुत ड्रग स्टोर फाउंडेशन का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं उसका भी डेफिनेटली शेयर करूंगी. आई विल फुलफिल योर डिमांड्स गाइज, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड. ऑलराइट गाइज, सो अभी हो रहे हैं 8:30, मोर देन 8:30, इट्स 8:35. ओके, एंड लुक एट माई बेस. हल्का हल्का सा मुझे लग रहा है यहाँ पे, हल्का हल्का सा है और मतलब हल्का सा फेड आउट हुआ है थोड़ा सा, अदरवाइज अभी भी पूरा स्टे इन प्लेस है ये फाउंडेशन, नॉट बैड. और मैंने काम बहुत ज़्यादा किया, घर का काम कर रही थी, सफाई कर रही थी, किचन में भी काम किया, तो उसकी वजह से हल्का फुल्का होना लाजमी है. अदरवाइज़ ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से 6 to 7 hours आपके फेस पे रहता है, लाइक मोर देन दैट मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने 2 बजे अप्लाई किया था एंड 8 बज रहे हैं, 6 घंटे से ऊपर हो चुका है. अरे यार.